Hello everyone, welcome to my channel. My mind is art. Hello everyone and welcome to my channel. My mind is art. So in today's video, we are going to talk about top 3 supplements that most of us need in our daily life. Some of us also believe that agar hum supplements lenge to hamari health ko kafi nuksan ho sakta hai. But is that true? No, it is not. सप्लीमेंट्स अगर आप सही वे में लो या सही ब्रांड के लो या सही क्वालिटी के लो तो आपकी हेल्थ पे कोई नेगेटिव असर नहीं करते. इनफैक्ट दे आर वेरी गुड एंड बेनिफिशियल फॉर आर ओवरऑल हेल्थ. काफी डॉक्टर्स आजकल सप्लीमेंट्स रेकमेंड करते हैं. सप्लीमेंट्स होते क्या है? सप्लीमेंट्स एज द वर्ड से सप्लीमेंट दे सप्लीमेंट आर डाइट विद द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स व्हिच वी कैन नॉट कंज्यूम डायरेक्टली फ्रॉम आर फूड. फूड इज आर फ्यूल. फूड हैज न्यूट्रिएंट्स बट there are some vitamins and minerals which are not available enough in our diet, in our food, for which we should consume supplements. Now, in today's video, मैं आपसे top 3 supplements के बारे में बात करूंगी जो हमें लेने चाहिए for good overall health. So, without any further delay, let's get started. Okay, before proceeding further, एक disclaimer मैं आपको देना चाहूंगी कि अगर आपकी diet काफी rich है इन 3 nutrients में जो मैं आगे बताने वाली हूँ तो आपको सप्लीमेंट्स लेने की कोई जरूरत नहीं है. बट अगर आपकी डाइट रिच नहीं है इन 3 न्यूट्रिएंट्स में देन सप्लीमेंट्स आर रेकमेंडेड. हाउएवर प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर कंज्यूमिंग एनी सप्लीमेंट्स. डोंट कंज्यूम एनीथिंग एज इट इज. ऑल्सो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं वीडियो अपने नॉलेज से प्रोवाइड कर रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से प्रोवाइड कर रही हूँ. डू योर रिसर्च एंड यू डिसाइड व्हाट यू थिंक इज राइट. डोंट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो मी. आई कैन जस्ट रेकमेंड यू, एडवाइज यू, बट द एंड डिसीजन इज योर्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. आज जो सबसे पहला सप्लीमेंट या फिर जो सबसे पहला न्यूट्रिएंट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है विटामिन B12. विटामिन B12 इज ऑल्सो नोन एज कोबालमिन एंड इट इज फाउंड इन सॉइल. हमारे जो सॉइल में है वहां पे विटामिन B12 पाया जाता है. बट आजकल इतना गंदा सॉइल है, इतना कंटामिनेटेड है, इट इज फिल्ड विद पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, बिकॉज ऑफ विच हमारे सॉइल में इनफ विटामिन B12 नहीं प्रेजेंट. अब हम लोग कैसे कंज्यूम करते हैं विटामिन B12? विटामिन B12 यीस्ट और माइक्रोब्स में पाया जाता है जो प्लांट्स जिसके थ्रू ग्रो करते हैं. एनिमल्स कंज्यूम दोज प्लांट्स, वी कंज्यूम दोज एनिमल्स एंड दैट इज हाउ वी कंज्यूम विटामिन B12. Now, vitamin B12 deficiency is more because of poor absorption of that vitamin rather than the dietary consumption. इसका मतलब है कि vitamin B12 की जो deficiency है वो इसलिए है because हम लोग उसको absorb नहीं कर पाते, but ना कि इसलिए because हम उसको consume नहीं कर रहे हैं. अब vitamin B12 एक चीज तो वो present ही नहीं हो रहा है आजकल हमारे soil में. Second thing, हम लोग बहुत लोग non-veg नहीं consume करते हैं बिकॉज ऑफ विच हमें डेफिशियंसी आ जाती है. तो इसी वजह से विटामिन B12 का सप्लीमेंट रेकमेंडेड होता है. B12 की इम्पोर्टेंस क्या है? वाई इज विटामिन B12 इम्पोर्टेंट? विटामिन B12 हेल्प्स अस टू इम्प्रूव आर इम्यूनिटी. इट हेल्प्स अस टू इम्प्रूव आर हार्ट हेल्थ. इट हेल्प्स अस इन रेड ब्लड सेल सिंथेसिस. इट ऑल्सो हेल्प्स इन RNA एंड DNA जनरेशन एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन फीटल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन. नाउ वॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ विटामिन B12 डेफिशियंसी? Vitamin B12 deficiency causes mood swings, fatigue, irritability, anxiety. It also causes loss of memory and peripheral neuropathy, which is a tingling sensation in our hands and fingers all over the body. ये सब symptoms अगर आप experience कर रहे हो then please get your vitamin B12 checked. Possibility है कि आप में vitamin B12 की deficiency है. अब what are the sources of vitamin B12? As I said, vitamin B12 आपकी जो root वाली vegetables होती है उनमें भी पाया जाता है. But when we bring those vegetables, हम उनको अच्छे से wash कर देते हैं इतना कि जरा से भी मिट्टी नहीं लगी रहे, because of which vitamin B12 ऐसे ही wash out हो जाता है. Vitamin B12 is also found in fermented foods and those fermented foods also help in better absorption of vitamin B12. What are those fermented foods? Curd, sprouts, mushrooms, lassi, एंड ढोकला, पिकल, डोसा, इडली, ऑल दी साउथ इंडियन फूड्स, इन सभी फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है एंड दीज ऑल फर्मेंटेड फूड्स हेल्प इन द बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 जो हमें और वेजिटेबल्स या फिर मीट ऑप्शन से मिल जाता है. सिंपली टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 वी नीड टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोबायोटिक्स एज वेल. विटामिन B12 एज आई सेड अच्छे सॉइल में पाया जाता है बट सॉइल सिंस अभी अवेलेबल नहीं होता हमारे पास तो इस वजह से वी नीड टू सप्लीमेंट आवर सेल्स with vitamin B12 because it is a very important vitamin. Now let's move on to the next supplement. The next supplement that I want to talk about is vitamin D. Vitamin D or vitamin D ki jo deficiency hai wo ek pandemic ban chuki hai. I think almost 80% of the population is deficient in vitamin D today. Why is it so? It is simply because we don't get ourselves
enough sun exposure, we lead a sedentary lifestyle, and also due to COVID, because of which हम लोग सब lockdown में थे, we were grounded inside our homes, and because of which हम लोगों को sun exposure नहीं मिला. Vitamin D is very important for our bone health, for calcium absorption, and also for our nervous system. Now, vitamin D deficiency can cause multiple sclerosis. It can cause weak bones, it can cause fatigue, mood swings, and it can also cause rickets. अगर आपने कभी देखा हो, जो old लोग होते हैं, generally उनके legs ऐसे थोड़े से bend हो जाते हैं. Why is that so? Because उनको enough vitamin D नहीं मिल पाता. And अगर vitamin D मिल जाता है, तो वो absorb नहीं हो पाता, because वो enough fats नहीं खाते हैं. Because vitamin D is a fat soluble vitamin. But this is a topic for another video, so we will talk about it later. But for now, vitamin D supplements काफी important है. उसकी dosage कितनी होनी चाहिए? 6000 to 1000 IU, international units per day. What are the sources of vitamin D? Vitamin D काफी ज्यादा foods में नहीं पाया जाता, सिर्फ salmon, eggs and dairy में पाया जाता है, वो भी बहुत थोड़े थोड़े amount में. Otherwise, जो fortified foods होते हैं, उनमें पाया जाता है. So इस वजह से आप अपने आप रोज डेली 10 मिनट्स, अभी बहुत धूप है, बहुत गर्मी है इंडिया में, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो आप अभी 10 या 20 मिनट्स डेली सन एक्सपोजर दो इन द लाइटेस्ट ऑफ क्लोथ्स, लाइक मे बी अ जस्ट कॉटन शर्ट और कॉटन ट्राउजर्स और लाइक इन मिनिमम क्लोथ्स इफ यू कैन, एंड जस्ट 10 और मैक्सिमम 20 मिनट्स. एंड उसके साथ साथ अपने आप को सप्लीमेंट जरूर करो. विटामिन डी के कैप्सूल्स भी आते हैं, टैबलेट्स या फिर सैशेस भी आते हैं इन पाउडर फॉर्म. जो भी आपको कन्वीनियंट हो वो कंज्यूम करो, बट अगेन प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर कंज्यूमिंग एंड गेट योरसेल्फ टेस्टेड फॉर विटामिन डी डेफिशिएंसी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सप्लीमेंट दैट आई वांट टू रेकमेंड. द थर्ड सप्लीमेंट दैट आई वांट टू रेकमेंड इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर द हेल्दी फैट्स, दे आर पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स. अब जो हमारे फैट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट. सैचुरेटेड फैट्स आर कॉमनली नोन एज द बैड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड आर कॉमनली नोन एज द गुड फैट्स, विच इज नॉट एंटायरली ट्रू बट टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू. नाउ अनसैचुरेटेड फैट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड. सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स विच आर गुड फॉर आवर हेल्थ. Now, the unsaturated fats are further divided into omega-3 and omega-6 fatty acids. Today, we are going to talk about omega-3 fatty acids, जो हमें easily diet में मिल जाते हैं, but हमारी diet ऐसी नहीं है कि हम omega-3 enough ले पाते हैं. Omega-3 is found in both animal and plant products. First of all, what are the benefits of consuming omega-3 fatty acids? Omega-3 helps us to improve our heart health by lowering triglyceride levels and increasing HDL, the good cholesterol. It helps to reduce inflammation. It helps in improving the quality of our hair, skin and nails. It also helps in reducing the symptoms of PCOS and diabetes. It helps to improve our mood swings and irritability. It also helps in reducing anxiety. It also helps in improving our bone health and so much more. It is always recommended ki sabse pehle aap apni nutrient deficiencies ko apni diet se pura kare, but agar aapki diet aisi nahi hai jo aapki deficiency ko pura kar sake, to aap supplement zarur le. Omega 3 ek aisa nutrient hai jo hamari body mein bahut bahut important hai, bahut acche uske benefits hain. Omega 3 deficiency can cause various skin and hair diseases like dermatitis and alopecia. It can also cause developmental defects in children, but it is a rare symptom. Recommended dose, the daily recommended dose for omega-3 is 1.1 gram for women and 1.6 gram for men. Now, omega-3 is found in various seeds, nuts, fish and animal products. It is found in flax seeds, pumpkin seeds, sunflower seeds. It is also found in walnuts. It is also found in meat and oily fish. Now, omega-3 ke jo सप्लीमेंट्स होते हैं वो फिश ऑयल कैप्सूल्स के फॉर्म में भी आते हैं, जो अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो आप वो कंज्यूम नहीं कर सकते. हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आपकी डाइट ऐसे रिच होनी चाहिए कि आपको कभी कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ना हो, बट अगेन एज आई सेड, अगर आपकी डाइट ऐसी नहीं है तो सप्लीमेंट्स ले. अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है एंड यू कैन नॉट कंज्यूम फिश ऑयल कैप्सूल्स, देन यू शुड डेफिनेटली कंज्यूम अ डाइट विच इज रिच इन सीड्स, नट्स लाइक वॉलनट्स, डेयरी एंड सो ऑन. The ideal ratio for omega-6 and omega-3 fatty acids is 4:1. 4 units of omega-6 and 1 unit of omega-3. But today our diet is so rich in omega-6, which makes jo hum ratio consume kar rahe hain 16:1. Like hum 16 units of omega-6 consume kar rahe hain and 1 unit of omega-3. Our diets are deficient in omega-3 in large quantities because hamari diets
ओमेगा 6 में ज्यादा बढ़ गई हैं। ओमेगा 6 इज फाउंड इन मीट, एग्स, वेरियस ऑयल्स, बट अगर हम बहुत ज्यादा ओमेगा 6 कंज्यूम करेंगे एंड ओमेगा 3 हम बहुत ज्यादा कम कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है एंड वेरियस डिजीजेस भी आ जाती है। बिकॉज ऑफ विच इट इज रिकमेंडेड कि आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स लो ताकि उन दोनों का रेशियो 4:1 ही बैठ जाए। So that's it for today's video, guys. I hope you enjoyed this video. I hope this video was insightful and useful for you. If you like this video, then please don't forget to like, share, and please comment on my video. And also please subscribe to my channel if you haven't already. I will see you in my next one. Till then, bye-bye. Take care.